हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार, नायब सिंह सैनी की सरकार में शपथ ग्रहण समारोह। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। इस सप्ताह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जननायक जनता पार्टी JJP के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद इस्तीफा दे दिया था। खट्टर के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद भाजपा के प्रदेश इकाई अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। सैनी के साथ 4 भाजपा विधायकों और 1 स्वतंत्र विधायक ने भी मंत्रियों की शपथ ली। अब लोकसभा चुनाव के चलते चल रहे आंदोलन के बीच हरियाणा में सैनी की कैबिनेट को आज विस्तारित किया गया है। जानकारी के अनुसार कुल 8 विधायकों ने मंत्रियों की शपथ ली है। ये जानने के लिए हम बता दें कि गवर्नर बंडारू ने किन मंत्रियों को शपथ दिलाई है, आखिर नए मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता राज्य मंत्री, सीमा त्रिखा राज्य मंत्री, महिपाल धंधा, असीम गोयल, अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, विशंभर सिंह बाल्मीकि और संजय सिंह, इन सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जब नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो इस घटना को विशेष बनाने के लिए सभी विधायकों ने शपथ लेते समय संस्कृत भाषा में शपथ ली। ये घटना हरियाणा राज्य में एक अद्वितीय परंपरा को दर्शाती है, जहां शासनिक कार्यों को संस्कृत में आयोजित किया जाता है। सैनी सरकार के इस विस्तार के साथ राज्य की राजनीति में नई गतिमानता आई है। इस विस्तार के साथ सरकार के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा का आगमन हुआ है, जो कि राज्य के विकास और प्रगति के प्रति समर्पित है। सैनी ने इस बड़े कदम को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पेश किया है, जो अब उनके प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व के साथ संबंध है। इसके साथ ही ये विस्तार भी भाजपा की चुनावी अभियान को मजबूत करेगा, क्योंकि नए मंत्रिमंडल के साथ सरकार के कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह आएगा। इस समय जनता के बीच एक उम्मीद की किरण है, जो कि राज्य के नए नेतृत्व के साथ एक नए उज्जवल भविष्य की ओर देख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें Z10 न्यूज। धन्यवाद।